हेलो एवरीबॉडी, ये इन्वायरमेंट का तीसरा लेक्चर है। ये जो लेक्चर है ये अगस्त के महीने को लास्ट ईयर को कवर करेगा। अगर आपको पता होगा कि अगर आप प्रीलिम्स 2018 बैठने जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि लास्ट एक साल का करंट अफेयर इस एग्ज़ाम के अंदर ज़रूरी होता है। लास्ट दो लेक्चर के अंदर जून एंड जुलाई को कवर किया जा चुका है, ये थर्ड लेक्चर है जिसमें अगस्त को कवर किया जाएगा। एंड सब्सिक्वेंटली टिल दी मई दिस ईयर सारे लेक्चर जिनमें इन्वायरमेंट के इश्यूज होंगे, जो भी करंट में चल रहा होगा, उन्हें कवर किया जाएगा। लेट्स सी इस महीने के अंदर क्या है। ये वर्ल्ड एलिफेंट डे 2017 के अंदर अगस्त 12 को मनाया गया था इंडिया के अंदर लास्ट ईयर। ये जो लेक्चर है, सॉरी ये जो डे है, इसके अंदर जितने भी एलिफेंट के इश्यूज होते हैं, फॉर एग्जांपल उनके बारे में अवेयरनेस फैलाना, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो उनकी प्लाइट्स को फैलाना, उनके बारे में नॉलेज को शेयर करना, उनके सॉल्यूशंस की जो इश्यूज हैं उनके क्या सॉल्यूशंस हैं, उनको पता लगाना, उनको डिराइव करना एंड देन उनको जो ग्राउंड के ऊपर अप्लाई करना, ज़मीन के ऊपर उनको लागू करना, ये वर्ल्ड एलिफेंट डे के अंदर जितनी एक्टिविटीज होती हैं वो इस तरह की जाती हैं। ये यूजुअली एनुअल ग्लोबल इवेंट है जिसमें इंडिया भी पार्टिसिपेट करता है। इसी कंटेक्स्ट के अंदर, इसी के इश्यू के अंदर उन्होंने, इंडिया ने क्या किया था, एक गज यात्रा, एक नेशनल कैंपेन स्टार्ट किया है। तो नेशनल जो गज यात्रा, जो ये अपना कैंपेन है, ये नेशन वाइड कैंपेन है, पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर ये किया जाएगा, जो एलिफेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए लॉन्च किया गया ऑन द वर्ल्ड एलिफेंट डे। ठीक है, तो लास्ट ईयर ये अगस्त 12 को किया गया था। इसमें 12 एलिफेंट रेंज स्टेट्स में इसको लागू किया गया था। ये 15 महीने का कैंपेन था और इसको जो लागू करने वाली जो एजेंसी है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम है वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया। एक एमसीक्यू यहाँ बन सकता है कि जो वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया है वो क्या है। हमें ये याद रखना है कि ये एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के साथ काम करती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जरूर ध्यान रखिएगा कि वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट है या एनजीओ है। ये जो ऊपर जो गज यात्रा कैंपेन था वो वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया इसको काम उसको यूज़ करेगी, इसको मतलब जो ग्राउंड पे इंप्लीमेंट करेगी। ये जो कैंपेन है वो क्या करेगी, अवेयरनेस फैलाएगी किसके बारे में, एलिफेंट कॉरिडोर्स के बारे में, ताकि वो कॉरिडोर के थ्रू जो भी एलिफेंट की फ्री मूवमेंट है उसको लागू किया जा सके। अगर आपको याद होगा, जितने भी आपने न्यूज़ देखी होंगी, बार बार एलिफेंट्स के एक्सीडेंट होने की खबर आ रही होती है कि रेल से टकरा गया, कहीं बस से टकरा गया, या वो एलिफेंट ने कई बार बाहर जो अपने जंगल से बाहर आके गाँव वाँव तबाह कर दिए। इसका मेन रीज़न ये होता है कि यूजुअली जो आज इंडिया में हो क्या रखा है कि फॉरेस्ट का डिफ्रेगमेंटेशन हो गया है। ठीक है, एक फॉरेस्ट यहाँ पे, एक फॉरेस्ट यहाँ पे, जो पूरा फॉरेस्ट होता था, आज बीच में जैसे रोड निकल गई या कुछ गांव बस गए, इंडस्ट्री आ गई, उस चक्रों में क्या हो गया कि दो जो पैचेस बन गए उनके बीच के अंदर यहाँ पे डेवलपमेंट हो गया है। उसके कारण क्या होता था कि एलिफेंट को इस एरिया से उस एरिया में जाने में प्रॉब्लम्स होती हैं। यहाँ मान लो अगर रेल जा रही है या बस जा रही है तो जब यहाँ से निकलेंगे तो एक्सीडेंट हो जाता है। तो ये जो इस एरिया के अंदर इन्होंने क्या किया है कि ये जो गज यात्रा के थ्रू, और गवर्नमेंट ने भी, अपने मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने काफ़ी उसके पहले भी काफ़ी उन्होंने इनिशिएटिव लेके एलिफेंट कॉरिडोर्स को एस्टैब्लिश कर दिया कि यहाँ पर ये भैया कि कुछ भी हो जाए, अपना जो डेवलपमेंट है वो एनवायरनमेंट को हार्म नहीं करेगा, और एटलीस्ट कुछ पैच रहे जंगल का ताकि एलिफेंट कॉरिडोर बनाया जा सके और एलिफेंट इस कॉरिडोर से इस हैबिटेट जा सके। ठीक है, तो इस गज यात्रा का मेन एम ये है। WTI वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया इसका वो लेड करेगी और वर्ल्ड एलिफेंट डे जो होता है अपना अगस्त 12 को मनाया जाता है। लेट्स सी नेक्स्ट स्लाइड। हमें ये याद रखना है कि जो एलिफेंट है दो टाइप के होते हैं, आपको पता होगा इंडिया में, मतलब वर्ल्ड में, अफ्रीकन एलिफेंट एंड इंडियन एलिफेंट। इंडियन के बजाय को एशियन बोलते हैं। अफ्रीकन वाले जो होते हैं, आपको याद रखना कि जो IUCN की रेड लिस्ट है, अगर आपने लास्ट ईयर एग्जाम दिया होगा या उसके पहले प्रिपेयर कर रहे हैं किसी एग्जाम के लिए, तो आपको पता होगा IUCN जो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ द नेचर जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो एक रेड लिस्ट निकालती है। उस रेड लिस्ट में उन जानवरों का पूरा लेखा जोखा होता है कि जो थ्रेटेंड हैं, वल्नरेबल हैं, या उनकी कुछ ना कुछ उनको ह्यूमन एक्टिविटीज़ से उनको थ्रेट आ रहा है। उसी लिस्ट के अंदर अफ्रीकन एलिफेंट्स को वल्नरेबल उसकी लिस्ट के अंदर रखा गया है, जबकि एशियन जिसमें इंडियन वाले आते हैं उनको इंडेंजर्ड रखा गया। ये याद रखिएगा, एक एमसीक्यू यहाँ बन सकता है। ठीक है, ये याद रखना कि इंडिया के अंदर जो एशियन जो एलिफेंट हैं, जो उनकी हमारे टाइप है, वो 40,000 एशियन एलिफेंट होते हैं, और मतलब जी उसकी काउंट किया गया है, और 400,000 अफ्रीका के अंदर हैं। ये वर्ल्ड एलिफेंट डे के दोबारा बोल रहा है कि वो किस लिए सेलिब्रेट किया, तो जो ऑलरेडी बताया जा चुका है। लेट्स मूव अहेड। ये गज यात्रा लॉन्च, ये उसका अपना जो ये फोटो था जो लास्ट ईयर आया था। नेक्स्ट वी हैव एलिफेंट सेंसस। सेंसस का मतलब पता ही है, पॉपुलेशन की काउंटिंग, जो इंडिया में ह्यूमंस के लिए होती है, उन्होंने एलिफेंट के लिए भी स्टार्ट की 2005 से। इस बार जो 2017 का सेंसस हुआ था उसके अंदर काउंट मिला है एलिफेंट का 27312, 27312। ये 2012 से लो कम आया है। प्रिलिमिनरी रिजल्ट ये बोलते हैं कि हाँ, ये याद रखना कि हमें जो ये जो हमारा सेंसस आया है एलिफेंट्स के लिए, फर्स्ट एवर सिंक्रोनाइज सेंसस है। सिंक्रोनाइज का मतलब कि हर जगह एक साथ किया गया था, ऑल इंडिया एलिफेंट पॉपुलेशन पूरे इंडिया में कवर किया गया है, और इसका काउंट आया था 27312। हमें ये याद रखना है कि उसके लिए उन्होंने क्या किया, दो टाइप की मेथड यूज़ की थी, डायरेक्ट मेथड,
डायरेक्ट मतलब कि आप अपने आंखों से देखोगे तो साइटिंग वेस्ट हो गई। दूसरी उन्होंने यूज़ की थी इनडायरेक्ट मेथड, जिसका होता है डंग काउंट। डंग मतलब उनका जो एलिफेंट का जो एक्सक्रीटा होता है उसको काउंट करके, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने इसको वो किया था। हमें यहाँ पे एक याद रखने की, जो मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ आई है, जो नंबर आया है एलिफेंट्स का, वो कौन से स्टेट में आया है? कर्नाटका के अंदर आया है। इसका काउंट है 6000। उसके बाद असम आता है, उसके बाद केरला आता है। इसमें कुछ ये बताया गया था कि जो 2012 के अंदर हमने सेंसस किया था, उसमें जो एलिफेंट्स का काउंट आया था वो था ये बिटवीन 29,000 एंड 30,000 के बीच के अंदर। लेकिन ये बोल रहे हैं कि शायद ये इसलिए काउंट ज़्यादा आया था पहले कि बिकॉज कि वो सिंक्रोनाइज नहीं था, कि हमने एक जगह काउंट नहीं किया, तो शायद कुछ एलिफेंट जो हो सकते हैं इधर उधर मूव कर गए होंगे, उनको बार बार डबल काउंट कर लिया गया होगा, ठीक है। 27312 कर्नाटका फर्स्ट, असम सेकंड, केरला थर्ड, दोनों मेथड यूज़ की गई हैं। फर्स्ट एवर सिंक्रोनाइज्ड, मतलब हर जगह एक साथ किया गया है ये सेंसेस। ये इसी का डायग्राम है, दोबारा इसको मेंशन किया कर दिया, याद यहाँ रखिएगा। सदर्न रीजन जो अपना है इंडिया का, जिसमें अपना पेनिनसुला आता है, इसमें 11,960 की काउंट किया गया। नॉर्थ ईस्ट में फिर उसके बाद में आते हैं, बाकी ये एरिया में कम है। ये कर्नाटक का काउंट दोबारा से बता दिया उन्होंने। लेट्स मूव। स्टेट ऑफ गोवा ने क्या अपना, गोवा ने क्या किया है कि जो कोकोनट पाम ट्री होता है उसको अपना स्टेट ट्री घोषित कर दिया है। अभी आपने न्यूज़ पढ़ी होगी शायद, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो, उसमें बैम्बू ट्री, बैम्बू को जो अपना जो प्लांट होता था उसको पहले ट्री में रखा गया था। उस चक्कर में क्या होता था कि बैम्बू की जो आप उगा नहीं सकते थे, उगा लिए तो फिर काट नहीं सकते थे बिना परमिशन के, इसलिए बैम्बू का कल्टीवेशन बहुत कम होता जा रहा था। फार्मर उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे थे अपनी इनकम बढ़ाने के लिए। तो अभी गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लेके इस कोकोनट पाम को भी, बैम्बू को भी, इनको उस लिस्ट से बाहर निकाल दिया। तो उससे क्या हुआ कि अब हर कोई बैम्बू को उगा सकता है और काट सकता है बिना किसी की परमिशन लिए हुए। लेकिन कुछ लोगों ने यहाँ पर बोलना स्टार्ट कर दिया कि इस तरह अगर आप कोकोनट पाम को बाहर निकाल दोगे तो हर लोग उसको क्या करते हैं, गोवा के अंदर ये उसमें वो आया था, क्रिटिसिज्म आया था, वहाँ पर थोड़ा विरोध हुआ था कि हर कोई इस पाम ट्री को काटना स्टार्ट कर देगा। तो उन्होंने क्या किया है कि जो गवर्नमेंट ऑफ गोवा ने स्टेट ट्री बना दिया, जिसके कारण उसको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन मिल जाएगी। उसका एक्ट का नाम है ये गोवा दमन दीव प्रिजर्वेशन ऑफ ट्री एक्ट वगैरह वगैरह। इसका आई थिंक ज़्यादा यूज है नहीं हमारे प्रीलिम्स के लिए। ये इसका ट्री का फोटो है। लेट्स मूव। हरित दिवाली स्वस्थ दिवाली कैंपेन लास्ट ईयर अगस्त में आया था, काफ़ी कंट्रोवर्सी हो रखी है, इसमें कुछ खास है नहीं याद रखने के लिए, बस बिकॉज की बस इतना याद रखना है कि हरित दिवाली स्वस्थ दिवाली कैंपेन आया था। कहीं उसको, कहीं आप इसमें अगर कहीं रिटर्न एग्जाम होगा तो उसमें आप यूज़ कर सकते हैं उसको, कि अवेयरनेस बढ़ाने के लिए हम इसको ये कर रहे हैं, ठीक है। इसमें सही अपने मिनिस्ट्री, डॉक्टर हर्षवर्धन ने बोला था कि पटाखे वटाखे मत जलाओ, ये करो, गिफ्ट विफ्ट दो एंड एसेट्रा एसेट्रा, नॉट मच यूज़ फॉर अस। देन वी हैव दिस थिंग। इन्होंने क्या किया है कि जो हमारे साइंटिस्ट हैं उन्होंने दो ये अपनी एंडेमिक जो इंडिया के अंदर जो फ्रॉग्स होते हैं वो ढूंढे हैं। इसका नाम उन्होंने रखा है नासिका बैट्रकस भूपति, ठीक है। ये मिला कहाँ पे ये पता होना चाहिए आपको, ये वेस्टर्न घाट्स के अंदर मिला है, तमिलनाडु के अंदर, ठीक है। इसका जो फोटो देख लेते हैं, ये वाला इस तरह का अजीब सा ये थोड़ा सा फ्रॉग है। इसका जैसे ये देखते हैं ना, चचुंदर देखा होगा आपने, ठीक है। ये बोल रहे हैं कि पिक की तरह इनका स्नाउट नोज होता है, ठीक है। ऐसा कुछ खास है नहीं, इतना याद रखिएगा कि फ्रॉग है, वेस्टर्न घाट तमिलनाडु के अंदर मिला है नया एंडेमिक वाला। दो उन्होंने अर्थवर्म जो अपने कैचुए होते हैं उनकी स्पीसीज ढूंढी हैं केरला के अंदर, उनके नाम रखे हैं उन्होंने, द्रविड़ा पॉलीडाइवर्टिकुलाटा एंड द्रविड़ा थॉमसी, ठीक है। आई डोंट नो उसका कुछ खास यूज़ होने वाला है नहीं हमारे लिए, बस इतना याद रखे केरला के अंदर मिली हैं दो अर्थवर्म की न्यू स्पीसीज़। ये उसके फोटोज़ हैं। एपियारी, एपियारी का मतलब ये होता है कि जहाँ हम ये हनी बी जो अपनी ये होती हैं शहद की जो मधुमक्खियाँ होती हैं उनको हम वहाँ पे पालते हैं, एपियारी का मतलब ये होता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया गए थे एपियारी में, एपियारी उन्होंने प्रेसिडेंट स्टेट के अंदर खोल के रखी हुई है एक, ठीक है। यूनिक प्रोजेक्ट था केवीआईसी एक वहाँ पे अपने इंडिया में अंदर, ये आई थिंक पता होगा ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन बना के रखी हुई है उन्होंने, और ये हनी मिशन को प्रमोट कर रही है। तो उन्होंने वहाँ भी प्रेसिडेंट के स्टेट के अंदर भी एस्टेब्लिश कर रही है, वहाँ उन्होंने 500 बक्से लगा रखे हैं जिनमें हनी बी का वो होता है, कल्टिवेशन होता है। काफ़ी अच्छा उन्होंने वहाँ पे हाई क्वालिटी हनी वैक्स वगैरह उन्होंने कर रहे हैं, ठीक है। ये उसकी फ़ोटोज़ हैं प्रेसिडेंट के एस्टेट, उसमें अपने जो इसमें जो अपना ये प्रेसिडेंट का जो उसमें जो है सेक्रेटरीट है या जो भी उनका जो ऑफिस है, उन्होंने दो तीन प्रोग्राम चला रखे हैं अगर आपको करंट अफेयर के लिए याद रखने हो तो। एक है स्मार्ट ग्राम प्रोग्राम। स्मार्ट ग्राम में ये होता है कि वो कुछ गांव्स को अडॉप्ट करते हैं और वहाँ पे पूरा स्मार्ट सॉल्यूशंस को उनको अडॉप्ट करने के लिए या उनको वहाँ पे अप्लाई इंप्लीमेंट कर रहे हैं ये लोग, ठीक है। दो प्रेसिडेंट की पावर्स में आता नहीं है ये, हाउएवर कर रहे हैं, तो उसमें कुछ हम याद रखने के लिए एमसीक्यू बन सकता है। सेकंड थिंग उन्होंने ये किया है कि स्मार्ट भवन अपना जो पूरा प्रेसिडेंट एस्टेट है ना उसको पूरा स्मार्ट सॉल्यूशन से इक्विप्ड कर दिया, उसको अंदर सारा इलेक्ट्रिसिटी पानी सब कुछ होगा, वो पूरी कंप्लीटली आईटी बेस्ड। थर्ड उन्होंने एक 4S इनिशिएटिव लेके आया है जिसमें उसका नाम है 4S में 4S आएंगे। पहला S है संस्कार, दूसरा स्पर्स, तीसरा अपना 7 to 14 ईयर्स वालों के लिए है वो है अपना ये संस्कारी, और थर्ड संस्कृत आ गया, और फोर्थ आ गया अपना
ये समागम जो बुड्ढों के लिए है। तो 4S अगर इनिशिएटिव कहीं आता है तो आपको पता होना चाहिए प्रेजिडेंशियल अपना जो भवन है वो इसको लागू कर रहा है, स्मार्ट ग्राम, स्मार्ट भवन एंड 4S इनिशिएटिव। अंदर जाने की जरूरत है नहीं हमें, जो बता दिया थोड़ा बहुत ना काफ़ी है हमने। ग्रेटर फ्लेमिंगोज को एक नया उन्होंने मिला है रिसेंटली, वो हम्पी के आसपास मिले हैं। आपको हम्पी पता होगा, तुंगभद्रा रिवर के ऊपर थी, विजयनगर किंग्स के उन्होंने बनाया था, हरिहरा बुक्का ने उनको एस्टैब्लिश किया था स्वामी विद्रायना के उन्होंने इनिशिएटिव के ऊपर, और वन ऑफ द मोस्ट वेल्दी आई थिंक ये सेकंड मोस्ट वेल्दी अपनी वो रही है उसमें किंगडम रही है अपनी जो एंशियंट और मिडल सब मिला के, और ये हम्पी जो अपना कर्नाटक के अंदर उसके अंदर है। यहाँ पे उन्होंने क्या देखा है एनवायरनमेंट के परस्पेक्टिव में, ग्रेटर फ्लेमिंगो मिल रहे हैं उनके, ठीक है। ग्रेटर फ्लेमिंगो कहाँ कहाँ मिलते हैं, अफ्रीका में, इंडियन में ये आते हैं, और ये माइग्रेटरी स्पीसीज है बाहर से लौट के यहाँ पे इंडिया में भी घूमती रहती है। ये काफ़ी अपने जितने भी जो अपनी ये हैं रामसर साइट्स हैं ना, लेक्स वगैरह हैं और जो दलदल वगैरह हैं तो वहाँ घूमते रहते हैं ये, ठीक है। इसमें ये है इनका ये डायग्राम है, और ये जो है यहाँ पुलिकट लेक में भी आते हैं। पुलिकट लेक का थोड़ा सा ये MCQ के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम बॉर्डर के ऊपर है तमिलनाडु के, मैक्सिमम पार्ट जो है वो आंध्रा में, थोड़ा सा पार्ट तमिलनाडु के अंदर है। यहीं श्रीहरिकोटा आइलैंड भी इसी के पास में है जहाँ से अपने सारे जो इसरो जो अपने ये लॉन्च करता है सेटेलाइट्स को, ठीक है। लेट्स मूव नाउ। एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत नीचे चलता है, क्यों चलता है, बिकॉज की दिल्ली के पॉल्यूशन के कारण, ठीक है। और MCQ और किसी भी एग्जाम के अंदर MCQ बनने के, इस टॉपिक के ऊपर बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं, चाहे कोई भी SSC दे रहे हो, अपने UPSC दे रहे हो, चाहे स्टेट PSC दे रहे हो। CPCB इसका मेन वो है, चेक करती है, जुलाई मंथ में वो चेक कर रहे थे, अगस्त में न्यूज़ में आया था। 6 ग्रेड हैं इसके अंदर, 8 पॉल्यूटेंट हैं, जो 8 मतलब इसके अंदर जो अपना पॉल्यूशन फैलाने वाली चीज़ें हैं। ये याद रखिएगा, 2 तो PM अपने हैं, पर्टिकुलर मैटर्स हैं, एक का 10 माइक वो होता है, एक का होता है 2.5 NO2, SO2, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, ठीक है, ये अपनी अमोनिया आ गई और ये लेड आ गया। यहाँ एक MCQ याद रखिएगा, CO2 इसमें नहीं आता है, क्योंकि आप हमेशा हम सोचते हैं पॉल्यूटेंट CO2 का नाम आता है, लेकिन CO2 इज़ नॉट ए पॉल्यूटेंट, अगर देखा जाए तो केवल ग्रीन गैस हाउस के अंदर उसको ज़्यादा हम चेक करते हैं। तो AQI के अंदर यहाँ पे केवल 4 या 8 आएंगे, ठीक है, PM10, PM2.5, NO2, SO2 और ये 4 आ गए, CO3, NH3, लेड। CPCB करती है और चेक करती है एयर क्वालिटी। 6 इसमें 6 ग्रेड्स होती हैं, 6 ही कलर कोडेड की जाती हैं, ठीक है। अब ये 6 कैटेगरी का नाम देख लो आप, गुड, सेटिस्फैक्ट्री, मॉडरेट पॉल्यूटेड, पुअर, वेरी पुअर, सीवियर, आई थिंक कुछ पूछने का चांस है नहीं। हर जो ये जो पॉल्यूटेंट है ना, हर का एक अलग से सब इंडेक्स भी बनता है अलग से, जैसे ये अगले फोटो के अंदर दिखाया गया कि ये ओजोन का ये है, ठीक है। इसमें आई थिंक इसमें अपने जो ये है ओजोन है और जो लेड है, इन दोनों का आई थिंक 8 आवरली होता है, ठीक है, कैलकुलेशन, और बाकी 6 का 24 आवरली कैलकुलेशन किया जाता है, ठीक है। लेट्स मूव। हाँ, संवाद, ये उसने क्या किया था इंडिया के अंदर, ये जैसे ये फोटो दिखाई है उन्होंने, इंटरफेथ डायलॉग फॉर द पीस, हार्मनी एंड द सिक्योरिटी, संवाद हुआ था म्यांमार के अंदर, यांगोन के अंदर, ठीक है। इसके अंदर अपने PM मोदी ने कुछ अपना संदेश भेजा था, संवाद है क्या एक्चुअली, ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन कॉन्फ्लिक्ट अवॉइडेंस एंड एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस। कि कोई कुछ दिन हमारे यहाँ पर देखा होगा वॉर हो रही है मिडिल ईस्ट के अंदर, ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया के अंदर, फिलीपींस के अंदर लड़ाइयाँ हो रही थी, ठीक है, हमारे यहाँ पर इसमें कश्मीर, अफगानिस्तान, पाकिस्तान के चक्करों के अंदर टेररिज्म फैला जा रहा है, ऑल ओवर वर्ल्ड कुछ ना कुछ इशू चल रहे होते हैं, तो वो जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको बचाना और एनवायरमेंट के बारे में कॉन्शियसनेस, मतलब जनता को अवेयर लाना, ये एक संवाद उन्होंने सिस्टम स्टार्ट किया है। ये जो इसमें था, इसका जो एडिशन था वो सेकंड एडिशन वाला, उसके अंदर ये टॉपिक उन्होंने इशू किया था, यंगोन में हुआ था, रंगून लास्ट ईयर, विवेकानंद केंद्र जो है हमारा, उसने फर्स्ट एडिशन जो था वो न्यू दिल्ली में वो किया था, ठीक है। और उन्होंने बहुत सारे रिलीजन के लोग आते हैं, ट्रेडिशन वाले लोग आते हैं, आपस में बातें करते हैं और वो कुछ निष्कर्ष निकालते हैं, इसलिए क्या किया जाना चाहिए और कैसे इसको अप्लाई करना चाहिए हमें रियल लाइफ के अंदर। तो PM ने कुछ बोला था कि जो हमारा एंशियंट इंडिया का जो ट्रेडिशंस हैं, पुराने जो भारत का, प्राचीन भारत के जितने भी हमारे जो ये ट्रेडिशन होते हैं, वो जो सब थे ना, वो डायलॉग के बिलीव करते थे कि बात करो, हमेशा बात करके लड़ाई का हल निकालो, ना कि लड़ाई करके, ठीक है, इश्यूज़ का, जितने भी डिफिकल्ट इश्यूज़ थे हम वो करते थे। तो उसने एक तर्क, मोदी ने अपना एक तर्क शास्त्र एक वर्ड यूज किया था कॉन्सेप्ट वाला, कि तर्क का मतलब क्या होता है कि डिबेट करना, कि आप अपना पॉइंट रखेंगे, मैं अपना पॉइंट रखूंगा और फिर देखते हैं कि जो पॉइंट किसका सही है, किसका गलत है, या किसका बेटर मतलब वो है और किसका कौन सा तर्क जो होगा, जो डिबेट में जो पॉइंट रखा गया है, वो कौन सा रियल लाइफ में ज़्यादा हेल्प करेगा। तो डायलॉग और डिबेट की जो एक जो ट्रेडिशन होता है, जो स्पिरिट होती है, जो एक आदत होती है, हमें वो लानी चाहिए रादर देन दी हाथापाई पे उतरने के बजाय। ये आ गया वही लेसमू फैटबग्स, आइसबग्स का नाम सुना होगा आपने, आइसबग वो होते हैं, आप देखे होंगे आइस के बड़े बड़े वो जो पीसेज होते हैं वो समुद्र में तैरते रहते हैं, राइट, वहाँ से आइस को हटा दिया जाए, फैट लगा दिया, तो ये फैटबग हो गया। कि मतलब जो हमारा, हम देखा होगा कि अपना सिंपल सा कोई भी घर में हम ऑयल बनाते हैं, कुछ खाने का इशू हो गया, वो सारा कचरा जो होता है, जो जॉइंट लम्प्स होते हैं, मतलब कचरा इकट्ठा होकर एक लम्प बना के फ्लोटिंग वेस्ट टाइप होता है, वो इसमें कुकिंग ऑयल आ गया, ग्रीस आ गया, ठीक है, और वो बाकी जो खाने का जो सॉलिड होते हैं कोई और इशू, वो सब सीवर में चले जाते हैं, ठीक है, नालियों में घूमते रहते हैं। ये जो इस कचरे को निकाल के
यूकी कंपनी थी अर्जेंट एनर्जी, उसने इन सब को यूज़ किया, कन्वर्ट किया इनटू द यूजेबल फ्यूल बायोडीजल बनाने के अंदर, ठीक है। तो इसमें जो इसमें मासेस थे, जो जो ये जो कचरा होगा उसको निकाला जाएगा, उसको गर्म किया जाएगा, ऑयल को फैट को सेपरेट किया जाएगा, और ये जो अपना जो ये ऑयल है इसी को हम यूज़ करेंगे बायोडीजल बनाने के अंदर, ठीक है। यह पता है, अब ये बताया जा रहा है कि जो फैट बग से जो ऑयल निकलेगा वो हम जो पाम ऑयल यूज़ करते हैं, आपने पता होगा साउथ ईस्ट नेशन नेशन इंडिया भी बहुत इसको अप्लाई करने की कोशिश कर रहा है कि हमारे यहाँ पे जो अपना ये फूड ऑयल जो होता है, जो खाने वाला जो ऑयल है उसकी बहुत कमी है, इसलिए हम सब लोग क्या कर रहे हैं पाम ऑयल, पाम के जो ट्रीज हैं वो लगा रहे हैं, ठीक है। और उसमें से ट्री को निकाल के पाम, उसमें से जो भी उसका फ्रूट होता है उसे निकाल के हम पाम ऑयल बनाते हैं जो खाने में यूज़ किया जाता है। और तो उसके चक्रों में क्या हो रहा है कि साउथ ईस्ट एशिया में जितने भी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट थे, वहाँ बहुत अच्छे फॉरेस्ट थे, उनको काट दिया गया और पाम ट्री लगा दिए गए, उसके कारण एनवायरमेंट का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो इस कंपनी ये बोल रही है कि हम जो पाम ऑयल की पाम फार्मिंग करते हैं, जो डिस्ट्रक्शन करवा रही है रेन फॉरेस्ट का, उसके बजाय इसको यूज़ करो तो हम ज़्यादा बेटर अपना एनवायरमेंट को बचा ही पाएंगे, सस्ता भी है और जनता का काम भी हो जाएगा। लेट्स मूव फैटबग इंटू बायोफ्यूल वर्षाधारे प्रोजेक्ट। ये कर्नाटका ने गवर्नमेंट ने एक अपना एक ये मतलब एक वो स्टार्ट किया था प्रोजेक्ट, इसमें वर्षाधारे का मतलब होता है वर्षा करवाना, ठीक है। ये क्लाउड सीडिंग प्रोजेक्ट था, क्लाउड सीडिंग मतलब कि आकाश के अंदर आपको जैसे कि छोड़ोगे जो क्लाउड बनाएगी वो बाद में बरस जाएगी, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि जो इन्हांस द अमाउंट ऑफ द प्रेसिपिटेशन फ्रॉम द क्लाउड टू जनरेट मोर रेन, ठीक है। इसमें करते क्या है कि आप एयरक्राफ्ट बनाओगे, ऊपर आकाश में ले जाओगे, और जो एक कुछ जो होते हैं मतलब इस तरह के जो हमारे पास मटेरियल होता है, फॉर एग्जांपल सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड एंड ड्राई आइस, ये तीन नाम या जरूर याद रखिएगा, सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, ड्राई आइस। ड्राई आइस होती क्या है, बेसिकली सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ये तीनों आजकल लिक्विड प्रोपेन भी यूज़ कर रहे हैं वैसे तो, ठीक है, जो एक्सपांड होती है मतलब फैलती है गैस के अंदर और बाद में ऊपर जाके वो बना देती है, क्लाउड बना देती है। ऑल्सो आजकल क्या कर रहे हैं, आइस न्यूक्लेटर्स को भी यूज़ कर रहे होते हैं, इसमें कुछ बैक्टीरिया भी आते हैं, फॉर एग्जाम्पल सीडोमोनास वगैरह। फिर हम टेबल सॉल्ट, जो अपने घर का सॉल्ट होता है उसको भी बोल रहे हैं आकाश में छोड़ दो, वो भी क्या करता है पानी बरसाना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। वो पानी को इकट्ठा करेगा, मतलब खींचेगा, सोखेगा, और वो पानी जब सोखने के बजाय जब इकट्ठा होगा तो वहां से बरसना स्टार्ट हो जाएगा। ये एग्जाम में एक एमसीक्यू यहां से निकलेगा। और ये कहते हैं कि आकाश में ले जाके इन्हीं जो मेटल बताया आपने वो ऊपर ले जाएंगे, वो फैला देंगे उसको, और जो फैलेगा तो वो क्या इमीडिएटली वहां पे जो पानी के अंदर मॉइस्चर, जो उसमें एयर के अंदर जो मॉइस्चर होगा उसको अपनी तरफ खींचेगा और वहां पे वो इंक्लूड करके वो पानी को इकट्ठा करेगा और बाद में बरसाना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। क्यों ये कर्नाटक गवर्नमेंट, बिकॉज वहां पे बहुत ज्यादा वो सूखा पड़ा था, रेनफॉल की डेफिशिएंसी हो गई है, दैट्स व्हाई कावेरी इशू निकल के आया था, आपको ये पता होगा, ठीक है। याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, किसी भी एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। अब आता है वर्ल्ड बायो फ्यूल डे 2017, अपना वर्ल्ड बायो ये अपना 10 अगस्त को मनाते हैं, ठीक है। इस बायोफ्यूल डे का उतना कोई आई थिंक एग्जाम में कोई वो वैल्यू नहीं है यूपीएससी के अंदर, बट यस बाकी पीएससी अपने यूपीए एसएससी वगैरह के अंदर ये पूछ सकता है छोटा सा ये सवाल है, ये कौन से दिन मनाया जाता है। इस दिन क्या किया था मिनिस्ट्री जो पेट्रोलियम एंड नेचुरल जो गैस है, इसने हमने ये डे मनाया था, उसने बोला कि हम यूथ जो हमारा जो यूथ है उसको स्कूल जाने वालों को कॉलेज जाने वालों को वो सेंसिटाइज करेंगे, उनको अवेयर करवाएंगे, फार्मर्स को अवेयर करवाएंगे कि बायोफ्यूल यूज़ करो, ठीक है, ताकि हमारा मतलब बाहर से जो ऑयल मंगाते हैं उसका खर्चा भी कम हो और इन्वायरमेंट भी बचा हुआ रहे, ठीक है। बायोफ्यूल डे उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना बाकी तीन इंपॉर्टेंट जो हमें याद रखने हैं। पहला है इंटरनेशनल वाटर डे, ठीक है, दूसरा है इंटरनेशनल इन्वायरमेंट डे, और तीसरा है इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे। वाटर डे कब आता है, 22 मार्च को याद रखिएगा, इन्वायरमेंट डे कब आता है, 5 जून को, एंड बायोडाइवर्सिटी डे कब आता है, 22 मई को, ठीक है। ये तीनों जो ज़्यादा हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, वाटर डे 22 मार्च, इन्वायरमेंट 5 जून, एंड बायोडाइवर्सिटी डे इंटरनेशनल 22 मई को, ठीक है। वर्ल्ड बायोफ्यूल डे दोबारा बता दिया इसने, 10 अगस्त को मनाते हैं। इस दिन क्या हुआ था, जो एक सर रुडोल्फ डीजल थे जिसने डीजल इंजन बनाया था पहली बार, उसने ना इंजन चलाया था पीनट ऑयल से, ठीक है, अपना मूँगफली का ऑयल यूज़ करके बना दिया था, वो कर रहे थे, इसका कुछ खास मान ली इंपॉर्टेंस है नहीं, ठीक है। अब आता है अर्थ ओवरशूट डे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए, बिकॉज फॉरेस्ट के एग्जाम अपना उसमें इंक्लूडेड है, सेम पेपर होता है, तो वो उसमें कुछ सवाल कुछ ज़्यादा ही इन्वायरमेंट के डालने स्टार्ट कर दिए आजकल, तो अर्थ ओवरशूट डे पता होना चाहिए। पहली बात तो ओवरशूट होता है क्या, अर्थ ओवरशूट, इस दिन ये जो दिन होता है ना, हम अर्थ की एक कैपेसिटी होती है, कैपेबिलिटी होती है कि जितना मतलब वो हम जो इंसान को चाहिए वो अर्थ हमें देती है, सारा हमारा फूड, वाटर, ऑयल, जो अपना एनर्जी सब कुछ होता है वो अर्थ हमें देती है। तो अर्थ क्या करती है, जो चीज़ें हमने उसको हम अर्थ ने हमें दी है ना, हम अर्थ को वापस दे देते हैं अपने एक्सक्रीटा से, अपना जो भी है अपना सारा कचरा छोड़ देते हैं, अर्थ क्या करती है उसको रिसाइकिल करती है, ठीक है, उसको यूज़ करती है और दोबारा उसको उसी को यूज़ करके दोबारा वो जो चीज़ें हमें चाहिए होती हैं उनको देती है। अगर अर्थ वो चीज़ें अगर दोबारा टाइम पर नहीं दे पाए तो वो ऐसा कौन सा दिन होगा कि जब अर्थ की कैपेसिटी
ओवरलोड हो जाती है कि अब इंसान ने जितना मतलब जो कैपेसिटी खा गई है, मतलब इंसान उसको यूज़ कर लिया है उस सामान को, और अर्थ क्या कर रही है अब रीजनरेट नहीं कर रही है, वो नया देना पड़ रहा है उसको, ठीक है। तो वो दिन जब इसके अंदर क्या होता है कि ह्यूमैनिटी की जो एनुअल डिमांड होती है, जो हमें हर साल जितना सामान चाहिए होता है नेचर से, हम जो मांगते हैं फूड ये सब कुछ होता है, वो अगर एक्सीड कर जाए, किस चीज़ से एक्सीड कर जाए, जितना अर्थ उसको रीजनरेट कर पा रही है एक साल के अंदर, तो वो उस दिन को हम अर्थ ओवरशूट डे बोलते हैं। इसका नाम है अगस्त, ये सॉरी डेट है अगस्त 2। ये डेट अगर हर साल चेंज होती है बिकॉज हम जितना उसको यूज़ कर रहे हैं, मतलब अर्थ की जो नेचर की जो हमारे पास में जो प्रोडक्टिविटी है, और जितना हम उसको मतलब यूज़ कर रहे हैं उस हिसाब से वो डेट डिसाइड होता है। तो इस दिन इन्होंने हम जो ये WWF है अपना वर्ल्ड वाइल्ड ये वर्ल्ड ये सॉरी अपना ये फंड है वाइल्ड लाइफ फंड और ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क है, ये दोनों जो ऑर्गेनाइजेशन ये मिलती हैं WWF एंड ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क, ये दोनों मिलकर इस दिन का डिसाइड करती हैं, ठीक है। जितना भी हमारा उनको वो इकोनॉमी के हिसाब से, ऑयल की डिमांड के हिसाब से सब चेक करके वो बताती हैं कि इस दिन इंसान ने अर्थ का जितनी लिमिट थी वो आज ही क्रॉस कर दी है। अब बाकी जो हम जो उस अर्थ से उस दिन के बाद से जो लेते हैं उस साल में, वो अर्थ की जो कैपेसिटी है उससे ज़्यादा जाता है। दैट्स व्हाई ये बोलते हैं कि अर्थ की कैपेसिटी ज़्यादा दिन टिकेगी नहीं, और एक दिन ऐसा आएगा जहाँ ना पानी मिलेगा, ना फूड मिलेगा, और ना सॉयल के अंदर कुछ होगा हमें कुछ देने के लिए, ठीक है। तो वो इस एक अवेयरनेस जनरेट करने का, लोगों को बताने का, लोगों को सेंसिटाइज करने का, इस बारे में ये उन्होंने एक डे डिसाइड किया है WWF ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क, ठीक है। ह्यूमैनिटी की एनुअल डिमांड जिस दिन एक्सीड कर जाती है उस दिन को अर्थ ओवरशूट डे बोलते हैं। लास्ट ईयर अगस्त 2 को था, ठीक है। अब हाईलाइट क्या होती हैं, हम क्या कर रहे हैं, जितना कार्बन हमें मतलब जितना अब होता क्या, फॉर एग्जांपल कि हमने कार्बन मतलब छोड़ा, ठीक है, हम सांस में ऑक्सीजन लेते हैं और बाहर निकालते हैं CO2, तो उसको क्या होता है प्लांट्स को CO2 को यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन हमारे हम इतना ज़्यादा CO2 निकाल रहे हैं अपने ऑटोमोबाइल से, गाड़ियों से, अपने फैक्ट्री से, कि वो सारा सारा जो प्लांट होते हैं हमारे, जो पौधे होते हैं, वो ले नहीं पाते हैं। तब क्या होता है, वो जो CO2 होता है वो अपना सॉरी ये ओशंस ले लेते हैं या सॉइल में मिट्टी में चला जाता है। अगर ओशन की भी कैपेसिटी खत्म हो जाए तो क्या होगा, वो कार्बन बाहर रहना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। इसके कारण क्या होगा, ग्रीन हाउस गैस आना स्टार्ट हो जाएगी। तो हमें ये याद रखना है कि दो पॉइंट याद रखना, कार्बन कंपोनेंट जो होता है ना वो 60% होता है ग्लोबल इकोलॉजिकल फुटप्रिंट का, और जो फूड कंट्रीब्यूशन होता है वो 26% होता है हमारे ह्यूमन इकोलॉजी फुटप्रिंट का। अब ये पूछेंगे अब इकोलॉजिकल फुटप्रिंट क्या होता है, ये इकोलॉजिकल फुटप्रिंट वो होता है कि फॉर एग्जांपल एक किसी एरिया की एक पॉपुलेशन है, एक जनसंख्या है, एक सिटी की मान लो, दिल्ली की मान लें आप, दिल्ली के अंदर ओके ठीक है 10 करोड़ लोग रह रहे हैं फॉर एग्जांपल, वो जो 10 करोड़ लोग हैं उनको जो खाना चाहिए, उनको जो मतलब कि अपना पानी चाहिए, उनको जो एनर्जी चाहिए, और उस ये जो हो गया मतलब कि उनको वो कंज्यूम करेंगे, वो उसको यूज़ करेंगे, खाएंगे पिएंगे एंड एनर्जी गाड़ी वाड़ी में डालेंगे वो करेंगे, साथ ही साथ जो वेस्ट निकालेंगे, वेस्ट मतलब धुआं हो गया, अपना जो खाने का जो कचरा होता है हम फेंकते हैं, और अपना जो खुद का पानी हो गया, नहाने वहाने का सब हो गया, वो जो वेस्ट है उसको जो अपनी ज़मीन है, जो नेचर है, वो एब्जॉर्ब कर पाए, उन दोनों को मिला के इकोलॉजिकल फुटप्रिंट मिलता है, ठीक है। ये हमें याद रखना है, अकेला नहीं आएगा कि हमें क्योंकि खाना पीना और मतलब कि एनर्जी आ गई, इन तीनों के अलावा जो हम वेस्ट भी निकाल रहे होंगे वो भी एनर्जी ही वो भी नेचर ही लेगी अपने अंदर, उसको क्या कर रिसाइकिल करेगी और अच्छा पानी हमें दोबारा देगी, और जो 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 हमने जो कचरा बाहर फेंका है उसको सॉइल में डालेगी, उस सॉइल में उसको डिग्रेड करेगी, और फिर आपका ह्यूमस बनेगा और प्लांट्स में यूज होता है। तो पूरा जो ये चीज़ है उसको मिला के इकोलॉजिकल फुटप्रिंट बनता है, उसमें कार्बन कंपोनेंट 60 होता है, फूड कंट्रीब्यूशन 26% होता है, और सॉल्यूशन ये बोला इसने बोला था लास्ट ईयर कि हर साल अगर हम क्या करेंगे 4.5 दिन खाते जाएंगे, फॉर एग्जांपल अगस्त 2 से फिर हम अगस्त को 6.5 हो गया, अगस्त 6.5 से फिर अगस्त अपना ये हो गया, तब जाके हम उस दिन 2050 तक उस क्या बोलते हैं कि अपना ये अर्थ का जो अपनी कैपेसिटी है उसके हिसाब से हम अपना काम कर पाएंगे। ये उसने वो सॉल्यूशन बताया, कोई एग्जाम के लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, बस एक कॉमन नॉलेज के हिसाब से हम उसको याद कर सकते हैं। ये वही पॉइंट दोबारा आ गया, GAC ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है UPSC में, बट सुन लीजिए, GAC क्या है कि वो है एक एपेक्स बॉडी है, ये अंडर में आती है अपने मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के, इसको उन्होंने बनाया था एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एंड के अंदर कुछ ये रूल्स हैं, रूल फॉर द मैन्युफैक्चर यूज़ इंपोर्ट एक्सपोर्ट स्टोरेज ऑफ हजार्डस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड जेनेटिकली इंजीनियर ऑर्गेनिजम और सेल्स 1989। तो EPA के अंदर उन्होंने क्या किया था, GAC का उसका फॉर्मेशन किया था, और ये इसके रूल्स थे। GAC का काम क्या होता है, GAC इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अप्रूवल ऑफ द प्रपोजल्स relating to release of the genetically engineered organisms and products into the environment including the experimental field trials। जैसे हमारा याद होगा BT कॉटन होता है, ठीक है, BT ब्रिंजल था, ये जो दोनों जो प्रोडक्ट हैं जो हम इसको वो जेनेटिकली मॉडिफाइड वो प्रोडक्ट बोलते हैं, इन ये ऐसे प्रोडक्ट जिनको अंदर हम जीन्स को चेंज किया गया है, ठीक है, या और कोई ऑर्गेनिजम्स जैसे मान लो बैक्टीरिया हो गया या इंसेक्ट कुछ इंसेक्ट्स हो गए, ये जितने भी होते हैं इनके ट्रायल्स
मतलब कि इनका जो कितना ग्राउंड पे ये काम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, हार्मफुल तो नहीं है, अगर हार्मफुल है तो इसको सोल्यूशन क्या क्या होगा, ये सब ट्रायल्स आ गया, ये डिसाइड करना GEC का काम है। प्लस इनको रिलीज़ करना कि BT कॉटन है, BT ब्रिंजल है जैसे आया था, ये मतलब जो आप जब फार्मर्स को जो फार्मर्स को यूज़ करेंगे या नहीं करेंगे, ये सब GEC डिसाइड करती है। ठीक है, ये EPA के अंडर में आता है, ये रूल्स थे उसके। तो इसमें ये न्यूज़ में क्यों था, पार्लियामेंट्री पैनल ने कुछ उसका कुछ वो इश्यू उठा दिया था कि वही बंदे वहाँ पे इसमें जो कंपनीज के अंदर बैठे हुए हैं और वो बैठे हुए हैं और वही बंदे यहाँ पे आके अपने क्या कर रहे हैं, रिकमेंडेशन भी दे रहे होते हैं। तो इस तरह कुछ न्यूज़ में आया था और पहली बार ये 1990 के अंदर इसको बनाया गया था और आई थिंक दोबारा 2013 में इसका रिकॉन्स्टिट्यूशन किया गया था। ठीक है, फॉर ए पीरियड ऑफ द 3 ईयर्स आता है अपना, ये दोबारा वही सेम चीज़ है। डेजर्टिफिकेशन कंट्रोल इन दी कुबुकी डिजर्ट, पहली बात तो ये है कुबुकी डिजर्ट है कहाँ पे, कुबुकी डिजर्ट जो है ना वो इनर मंगोलिया के अंदर है। ठीक है, ये फर्स्ट डेजर्ट है वर्ल्ड के अंदर जहाँ पे लार्ज स्केल डेजर्टिफिकेशन कंट्रोल को किया गया था और अचीव भी कर लिया गया है कि वो कंट्रोल को। ठीक है, इसमें क्या किया था, गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया, इंडस्ट्री के इन्वेस्टमेंट हुआ, मार्केट ओरिएंटेड पार्टिसिपेशन, फार्मर्स ने अपना वो पार्टिसिपेशन किया गया, और कुबी के मॉडल को उन्होंने इंडिया वाले ये बोल रहे हैं कुछ लोग कि हम इसको इंडिया में यूज़ कर सकते हैं अपना लैंड को अच्छा बनाने के लिए, बिकॉज हमारा जो ऑलरेडी जो टोटल लैंड एरिया है पूरे इंडिया का, उसमें से 32% जो लैंड एरिया है वो लैंड डिग्रेडेशन मतलब उसको खराब होता जा रहा है धीरे धीरे, सॉयल खराब हो रही है, पानी नहीं बचा है उसके अंदर, उसमें कुछ उगता नहीं है। ठीक है, ना ही उसमें ग्रेजिंग मतलब जानवरों के चरने के लिए भी कुछ जगह नहीं बची है, तो हम उसको यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो कुबुकी मॉडल इज फॉर द डेजर्टिफिकेशन एंड ये मंगोलिया के अंदर इसको यूज़ किया गया था। अब यही डेजर्टिफिकेशन के लिए जैसे UPSC का सवाल बनता है कि कौन सा कन्वेंशन इंपॉर्टेंट है, UN यूनाइटेड नेशन ने एक कन्वेंशन किया था कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन इन दोज कंट्रीज जहाँ पे सीरियस ड्रॉट्स होते हैं और डेजर्टिफिकेशन होते हैं, स्पेशली इन द अफ्रीका। तो ये याद रखिए, केवल अफ्रीका में नहीं है, मतलब अफ्रीका में ध्यान ज़्यादा देना है, बस करेंगे ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो यहाँ पे आप पर्टिकुलरली कह के वर्ड याद रखिएगा, करते क्या है, डेजर्टिफिकेशन को कम्बैट करना है, उसके जो इफेक्ट्स होते हैं उनको कम करना है, और नेशनल एक्शन प्रोग्राम्स के थ्रू कि जो जिसमें कंट्रीज़ होंगी वो खुद के प्रोग्राम्स बनाएंगी और वो उसको इंप्लीमेंट करेंगी। करेंगे कैसे कैसे, इंटरनेशनल कोऑपरेशन मिलना चाहिए, पार्टनरशिप वगैरह होनी चाहिए। ये हमें एक MCQ यहाँ बनता है कि ये जो कन्वेंशन था UNCCD, ये अकेला ऐसा कन्वेंशन था जो डायरेक्ट रिकमेंडेशन ऑफ द रियोज कॉन्फ्रेंस एजेंडा 21, ठीक है, उसमें अडॉप्ट किया गया था। ठीक है, वहीं से निकल के आया था पहली बार, लेकिन इसको 1994 में अडॉप्ट कर लिया गया था और दिसंबर 1996 के अंदर ये फोर्स में आ गया था। ये बहुत लीगली बाइंडिंग है, हमें ये याद रखना है। इंडिया भी इसका मेंबर है, रेटिफाई कर दिया है हम लोगों ने। ठीक है, एक्सेप्ट तो पहले ही कर लेते हैं, रेटिफाई बाद में करते हैं जो पार्लियामेंट वगैरह इसके थ्रू होता है। नाउ वी हैव दिस थिंग क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल को पता ही है अपना, वो GHG के बारे में है, GHG मीन्स ग्रीन हाउस गैसेज इमिशन के बारे में। ठीक है, 1997 के अंदर साइन किया गया था और ये ट्रीटी थी जो ग्रीन हाउस गैस इमिशन को कम करने के लिए उसको एक्सटेंस में आई थी। 1997 में अडॉप्ट हुआ था, 2005 में फोर्स में गई है पहली बार। ठीक है, और इसके अंदर क्या किया गया था, इंडस्ट्रियल नेशन थे वो बोलेंगे, उन्होंने उनको बोला गया था कि वो कम करेंगे अपने ग्रीन हाउस गैस इमिशंस, और उनके ऊपर ये बाइंडिंग था कि उन्हें करना ही करना पड़ेगा। कुछ और कंट्री जैसे हमारे से इंडिया वाले, तो उसमें बहुत सारे वो हैं ग्रुप बना के रखे हुए हैं, कभी और टाइम मिलेगा तो बता जाएगा। आई थिंक ये बिकॉज ये किसी भी अभी आउट ऑफ डे वो हो चुका है, तो उसका कोई न्यूज़ में उसमें उतना इंपॉर्टेंस है नहीं, हो तो UPSC भी उसको भूल चुकी है। ठीक है, तो 2005 से 2012 के अंदर पहला कमिटमेंट पीरियड आया था, ये पॉइंट याद रखिएगा आप, जिसमें रिच और इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज को बोला गया था कि आप अपने जो इमिशंस हैं, जो धुआं निकलता है बाहर, जो और कुछ निकल रहा है, वो सब कम करेंगे। तो 2005 टू 2012 7 साल का पीरियड था ये। उसके बाद में क्या हुआ था, उन्होंने दोहा अमेंडमेंट लेके आए। दोहा अमेंडमेंट क्या था, वो क्योटो प्रोटोकॉल ऊपर था और उसने बोला कि एक सेकंड कमिटमेंट पीरियड कि 2012 के बाद में 2020 तक, 2013 से लेकर 2020 तक एक सेकंड कमिटमेंट पीरियड होगा जिसमें और किया जाएगा कम, उसमें कुछ एक्स्ट्रा उनको बोला जाएगा। तो ये पॉइंट पता होना चाहिए, दोहा अमेंडमेंट वाज फॉर द सेकंड कमिटमेंट पीरियड ऑफ 2013 टू 2020, सेकंड टाइम के लिए वो आया था। पहली बार कौन था, अपना नॉर्मल क्योटो प्रोटोकॉल ही वो कर रहा था। इंडिया ने क्या किया, इंडिया 80th कंट्री बना जिसने दोहा अमेंडमेंट को एक्सेप्ट कर लिया था और रेटिफाई करके अपना वो उसमें इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया ग्राउंड के ऊपर। ये 140 जो कंट्रीज है ना, आउट ऑफ 990 वो एक्सेप्ट करेंगे तभी ये प्रॉपरली ऑपरेशन हो पाएगा, मतलब ग्राउंड पे काम कर पाएगा। ये 175 डेट उस अगस्त की है, अभी आई थिंक कुछ 100 समथिंग हो गए हैं। ठीक है, जो रेटिफाई कर दिया, लेट्स सी कितना होता है। चाइना, पोलैंड वगैरह ने भी कर लिया, US भाई साहब ने जो सबसे ज़्यादा ज्ञान देते हैं हम सबको, उसने ये रेटिफाई नहीं किया है और कनाडा ने विड्रॉ कर लिया था। ठीक है, लेट्स मूव अहेड। क्योटो प्रोटोकॉल कंट्रीज़ की कुछ देख लेना आप अगर अच्छा लगे तो। इंडियाज एक्सक्लूसिव राइट टू एक्सप्लोर, ये आपको पता ही है, इसमें एक ये है, ये इंटरनेशनल सीबेट अथॉरिटी होती है, एक जमैका में बेस्ड है।
ये क्या करती है, लॉ ऑफ द सी कन्वेंशन के ही के द्वारा एग्जिस्टेंस में आई थी। जितना भी हमारा समुद्र है उसका जो सर जो सतह है उसके अंदर जो तल है वहाँ पर जितने भी हमारे जो मतलब चीज़ें बैठी हुई हैं उसके अंदर हमें जितना भी ये मिनरल्स होते हैं हम उसको उसको वो करते हैं, मतलब उसका जो भी कंट्रोल होता है वो इंटरनेशनल सीबेट अथॉरिटी के अंदर आता है। अनक्लोज इसको डिफाइन कर देती है कि ये उसमें कौन कौन से आते हैं, फॉर एग्जाम्पल सीबेट आ जाएगा, ओशन फ्लोर आ जाएगा, ये आ गया। इंडियाज़ राइट हैव बिन अप्रूव्ड एनोनिमसली इन द 23rd सेशन के अंदर उन्होंने हमें अप्लाई दे दिया था, और आई थिंक मुझे याद नहीं है आप चेक कर लीजिएगा, इंडिया फर्स्ट कंट्री था जिसको ये राइट्स मिले हैं एक्सप्लोर करने के लिए। ठीक है, तो इंडियाज़ एक्सक्लूसिव राइट थे, 5 साल के लिए एक्सटेंड कर देंगे, पहले ही मिले थे सी बेड के अंदर, कहाँ मिले हैं, सेंट्रल इंडियन ओशन बेसिन के अंदर मिले हैं। द राइट्स इन द इंटरनेशनल वाटर इज अलोकेटेड बाय द इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी फॉर द डेवलपमेंट एक्टिविटीज़। ठीक है, तो इसमें जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज है ना ये इसको इंप्लीमेंट कर रही है। इस पॉलीमर्टिकल जो नोड्यूल्स होते हैं उसमें होते क्या क्या, मैगनीज होता है, ठीक है, कोबाल्ट होता है, इसमें सिल्वर होता है, गोल्ड होता है, एसेट्रा एसेट्रा। ठीक है, इस तरह के दिखते हैं। नहीं, ये आ गया नया अपना, कुछ खास इंपॉर्टेंस है नहीं हमारे लिए। इंडिया और जर्मनी का प्रोग्राम का जो अपना जो कोलैबोरेशन चल रहा है आपको पता ही है आपको। ठीक है, उसमें क्या क्या है कि इसमें ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर्स एंड रीन्यूएबल एनर्जी मैनेजमेंट सेंटर, ये दो पॉइंट हैं उन्होंने इंप्लीमेंट करने के लिए बातें कर रहे हैं। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर क्या होता है कि एक तरीके एक जगह से हम क्या करते हैं कि वो लाइन बनाई जाएगी, यहाँ से हम उसको जो भी अपना सोलर के जितने प्लांट्स होते हैं, विंड के प्लांट हैं, वो हमने वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे और इस एरिया तक हम लेके जाएंगे। ठीक है, तो ये जो कॉरिडोर बनेगा उसको ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, देखिए ग्रिड कनेक्टेड नेटवर्क होता है, ट्रांसमिशन मतलब एक जगह से दूसरी ले जाना, कौन सी एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, केवल सोलर वाली और या विंड वाली या वाटर वाली जो भी होगी वो, लेकिन ग्रीन एनर्जी होनी चाहिए। ठीक है, वो उसमें ले जाएगी। और इसमें रिन्यूएबल एनर्जी मैनेजमेंट सेंटर एक आया है, विल मॉनिटर रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन ऑन रियल टाइम बेसिस। ये जो REMC होगा वो रियल टाइम सही में मॉनिटर करेगा और चेक करेगा क्या करना है। तो उन्होंने दोनों ने मिला के एक रिन्यूएबल एनर्जी पैक्ट बनाया, जिसमें दो अपने प्रोग्राम को इंप्लीमेंट कर रहे हैं, ये REMC एंड GEC। लेट्स मूव अहेड। एक मैसेज आ गए, बायो इंडिकेटर क्या होता है, तो इंडिकेट करना, आप कोई चीज़ को बताना कि ये चीज़ अगर यहाँ पे है तो दूसरी चीज़ भी एग्जिस्ट करेगी। तो बायो इंडिकेटर ऐसी जगह, ऐसा कोई भी ऑर्गेनिज्म जहाँ बैठा हुआ है वो अगर वहाँ बैठा हुआ है तो आपको पता चल जाएगा इसके ये जो और बाकी ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं वहाँ पे। ठीक है, तो ये बताएगा, इसे लिखा है इसने कि लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है जो बताएगा हेल्थ ऑफ द इकोसिस्टम। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। कुछ बायो जो ये इंडिकेटर जो अपने ऑर्गेनिज्म होते हैं बहुत सेंसिटिव होते हैं, कुछ भी एयर पोल्यूशन हुआ, वाटर पोल्यूशन हुआ तो मर जाएंगे या ज़्यादा आ जाएंगे, तो आप वो चेक कर बता सकते हो कि इस एरिया के अंदर ये पोल्यूशन है। ठीक है, तो इसलिए आजकल बायो इंडिकेटर का बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है। तो उन्होंने क्या किया, ब्रायोफाइट्स होते हैं जिनको मॉसेज वगैरह के लिए बोला जाता है, टर्म होती है मॉसेज, हॉर्नवॉर्ट्स, लीवरवॉर्ट्स, इन सबको मिलाकर ब्रायोफाइट बोलते हैं। तो जो मॉसेज होते हैं ना आजकल उनको बायो इंडिकेटर के लिए यूज़ किया जा रहा है, बिकॉज जो ह्यूमिड सिटीज़ होती है ना जहाँ पानी ज़्यादा मॉइस्चर ज़्यादा होता है, जैसे साउथ में है अपना मुंबई हो गया, पुणे हो गया, इवन नॉर्थ ईस्ट में जैसे सिटीज़ होती हैं जैसे ना, वहाँ ये ज़्यादा उगते हैं, रॉक्स में मिलेंगे, ट्रीज़ के वो मिलेंगे। और ये क्या करते हैं, इनको आप यूज़ करते हो क्या नापने के लिए, द इम्पैक्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक चेंज, कि इस वातावरण में कुछ भी चेंज हुआ मॉसेज या तो बढ़ेंगे या घटेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि हो क्या रहा है वातावरण के अंदर। ठीक है, बहुत ही सस्ता ओपिनियन है, कोई अपने इंस्ट्रूमेंट नहीं यूज़ करना, कुछ कुछ नहीं यूज़ करना, फटाफट देखा और पता चल गया। ये क्या करते हैं, पानी और जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो अपने एनवायरनमेंट से लेते हैं, डायरेक्ट हवा से ले लेते हैं, और पॉल्यूशन वगैरह हो गया, ड्रॉट हो गया, तो आपको पता चल जाएगा। एक ही सवाल ये बनता है, लाइकन वर्सेज मॉस। ठीक है, लाइकन तो पता ही आपको क्या होता है, प्लांट नहीं है, मॉस क्या है, प्लांट है, लाइकन क्या है, एक वो है अपना सिम्बायोसिस का एक ऑर्गेनिक, वो अपना एग्जांपल अच्छा वाला। ठीक है, तो उसमें एल्गी एंड फंगाई का कॉम्बिनेशन होता है। लाइकन भी एक अच्छा बायो इंडिकेटर है, फॉर एग्जांपल एयर पोल्यूशन के लिए, सल्फर डाइऑक्साइड ज़्यादा हुई तो लाइकन भी आएगा। ठीक है, लेट्स मूव। इस तरह के अपने ये मॉसेज के इस तरह देखे होंगे आपने, अगर कहीं पानी वाली जगह पर गए होंगे आप, जहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होती है। आगे मंगूज़, ये एक अपनी मंगूज़ मिला है यहाँ पे, स्टेट एनिमल ऑफ चंडीगढ़ बताया जाता है, पार्ट टू ऑफ स्केड्यूल टू का ये पार्ट है। ठीक है, उसमें वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ कंट्रोल ब्यूरो ने कुछ यहाँ पे मंगूज़ के जो बाल होते हैं पकड़े थे कलकत्ता के अंदर। अब ये याद रखना है कि हमको जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कुछ उसमें स्केड्यूल्स हैं, स्केड्यूल्स में नंबर 1 जो है और जो स्केड्यूल 2 है, उस स्केड्यूल 2 का भी एक पार्ट 2 है, ये दोनों याद रखने हैं आपको, कि स्केड्यूल 1 एंड पार्ट 2 ऑफ स्केड्यूल 2 जो होते हैं ना उनको एब्सोल्यूट मतलब कंप्लीट प्रोटेक्शन दी जाती है। ठीक है, और हाईएस्ट पेनल्टी है कि अगर कुछ हुआ तो सबसे ज़्यादा जेल भी इसी में है, सबसे ज़्यादा पैसे का फाइन भी इसी में है। कौन कौन से हैं एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल गंगेटिक डॉल्फिन है, लेपर्ड है अपना, और स्लॉथ बियर भी है। इसके अलावा फिर आते हैं शेड्यूल 3, 4, 5 एंड 6,
थ्री और जो फोर वाले होते हैं वो भी प्रोटेक्टेड होते हैं, मतलब गवर्नमेंट उनको भी बचाती है, लेकिन पेनल्टीज बहुत कम होती हैं, जैसे चीतल के लिए, पॉर्क्यूपाइन के लिए। फाइव वाले जो होते हैं ना वर्मिन हैं, वो मतलब कचरे हैं, जैसे एग्जाम्पल अपने कौवे हो गए घरों के अंदर, बैट्स हो गए, नील गाय हो गए। आपको याद होगा 2 साल पहले कंट्रोवर्सी हुई थी काफ़ी कि वर्मिन्स को मतलब कि काफ़ी ना अपना उत्तराखंड के अंदर हो गया, यूपी के अंदर लोग बोल रहे थे कि नील गाय बहुत फसलों का नुकसान कर रही हैं, कुछ बंदर थे वो नुकसान कर रहे थे, उनको मारने के लिए परमिशन मांगी गई थी। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट इसको परमिशन देती है, ठीक है, अपने सेंट्रल गवर्नमेंट वाली, लेकिन जो प्रपोजल आता है वो आता है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। तो उसको फिर शेड्यूल जो फाइव अपना जो जिस भी शेड्यूल में बैठा होगा वो जानवर, उसको शेड्यूल फाइव में ट्रांसफर कर दिया जाएगा फॉर कुछ पर्टिकुलर पीरियड के लिए, और फिर मारने की परमिशन दे दी जाती है उनको शिकार करने के जो भी है। स्केड्यूल जो सिक्स होता है वो केवल उनके लिए है, फॉर एग्जाम्पल फॉर कल्टीवेशन एंड प्लांटिंग के लिए, बेसिकली वो उनके लिए है, मतलब प्लांट्स के लिए है कि आप उनको मतलब कल्टीवेट नहीं कर सकते हो, प्लांट नहीं कर सकते हो, ठीक है, उनसे प्रोहिबिट किया जाता है उन चीज़ों को, याद रखिएगा। 4-5 इनके स्केड्यूल्स हैं। अपना ये GEF होता है, ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी ग्रांट एग्रीमेंट है कुछ, सॉरी अपना जो GEF है, जो ये पता ही होगा फैसिलिटी है जहाँ पे सारे जो अपने भी इन्वायरमेंटल के जो अपने अपने ग्रुप्स हैं वो वहाँ पे पैसे वैसे रखते हैं, और एक तरीके से फाइनेंशियल मैकेनिज्म की तरह काम करती है, ठीक है, और ये वर्ल्ड बैंक के थ्रू भी मतलब काफ़ी मतलब जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको फाइनेंस करती है। तो इंडिया ने और GEF ने साइन किया है, ठीक है, और कुछ अपना इसमें इसको इस जो प्रोजेक्ट है जिसके लिए पैसा आएगा, उस प्रोजेक्ट का नाम है इकोसिस्टम सर्विस इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट, ESIP, ठीक है। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये दोनों ने मिलकर साइन किया, ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है UPSC के हिसाब से, बिकॉज जब भी कोई GEF का जो भी कुछ अपने इंडियन प्रोग्राम्स आते हैं तो एक MCQ पक्का बन के आता है, ठीक है। तो इंडिया वर्ल्ड बैंक की भी साइन किया गया है वाया GEF, इसका नाम है इकोसिस्टम सर्विस इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट हो गया। ये छत्तीसगढ़ के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर इंप्लीमेंट किया जाएगा थ्रू, ये एक याद रखिएगा यहाँ पे, इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च के थ्रू किया जाएगा, और नेशनल मिशन जो ग्रीन इंडिया है उसके अंडर में काम किया जाएगा। काम क्या है वही अपना आप देख लो, यहीं है उसके नाम, जो प्रोजेक्ट का नाम है उसी के अंदर पता चल जाएगा आपको। इकोसिस्टम की सर्विसेज होती हैं कि कोई भी इकोसिस्टम होता है अपने पर्टिकुलर सर्विस देता है, कोई खाना देता है, कोई फूड देता है, कोई कुछ देता है, कोई अपना टिम्बर दे रहा है, लकड़ी दे रहा है, जो सिस्टम जितने भी सर्विसेज है ना उसका इंप्रूवमेंट करने के लिए, और वो अगर इंप्रूवमेंट हुआ तो वहां जो आसपास जनता रहती है उनकी लाइवलीहुड, उनके जो आमदनी होती है वो बढ़ जाएगी, ठीक है, यही उसके अंदर बताया गया है। लेट्स मूव, इसमें साइन के अंदर सेम पॉइंट दोबारा बोला गया है। अब ये फ्लड्स हैं, पता ही आपको आसाम और बिहार के अंदर फ्लड्स आ गए थे, राजस्थान गुजरात के अंदर काफी पंगा हुआ था, नेचुरल कॉजेज जो होते हैं उसमें ज़्यादा बारिश हो गई कुछ, ठीक है, एलिनो आ गई या दूसरी लानीना आ गई, ठीक है, इस इशूज़ के अंदर हो गए। तो उसमें अपना ये आजकल जो अपने ये होती हैं क्लाउड बस्ट होना स्टार्ट हो गए हैं अपने इसमें हिल्स के अंदर, एंथ्रोपोजेनिक के अंदर जो इंसान जो अपनी वो कर रहा है इशूज़, फिर आगे इंपैक्ट के अंदर की GDP कम होती जा रही है वगैरह वगैरह। इको सेंसिटिव जोन के अंदर क्या होता है कि अपना याद होगा कि दो टाइप के जोन तो पता ही है आपको, जो टाइगर रिजर्व पढ़ा होता पिछली आई थिंक उस वीडियोज़ के अंदर आपने, तो कोर एरिया होता है, बफर एरिया होता है, NTCA नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी उनको कंट्रोल करती है। इको सेंसिटिव जो एरियाज होते हैं ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट जो होती है वो उसको नोटिफाई करती है, अराउंड प्रोटेक्टेड एरियाज, नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। तो ये डेफिनेशन जरूर याद रखिएगा, इन तीनों के आसपास होते हैं, ठीक है। मेन चीज़ ये होता है कि जो कुछ भी जैसे कि लगता है कि अगर ये इस एरिया को कंट्रोल नहीं किया गया तो जो अंदर वाला जो नेशनल पार्क है और जो टाइगर जो कंजर्वेशन है या कुछ और है वो उनको नुकसान पहुँचना स्टार्ट हो जाएगा। तो वो क्या करते हैं कि जो मेन जो एरिया होता है उसके आसपास वाले एरिया को भी बोलते हैं कि उनको ECZ डिक्लेयर कर देते हैं, और बोलते हैं कि यहाँ पे भी ये कुछ एक्टिविटीज़ है ना, कुछ भी जो गतिविधियाँ हैं ये नहीं की जाएंगी। फॉर एग्जांपल आप उसमें जो ये जो मतलब जो टूरिस्ट नहीं जा पाएंगे, गांव वालों को बोलते हैं खेती नहीं करोगे आप, तो इस तरह कुछ मतलब उन पे रोक लगा देते हो, ठीक है। तो उन्होंने फिर कर्नाटका ने ना काली टाइगर रिजर्व है वहाँ पर ये कर दिया है, ठीक है, ये हो गया, और ये प्रोटेक्शन दी जाती है उस एरिया के अंदर। यूजुअली याद रखना कि 10 किलोमीटर के आसपास तक जाता है ये एरिया अप टू दिस, कि जो भी एरिया होगा मेन, जैसे फॉर एग्जांपल ये कोर एरिया है, ये बफर एरिया है, तो उसके आगे 10 किलोमीटर का जो एरिया होगा उसको उन्होंने ECZ का नाम दे देंगे, और उसको में उस रेगुलर जो एक्टिविटीज़ होती है उनको रेगुलेट या प्रोहिबिट कर देंगे, ठीक है। ये कुछ उन्होंने टाइगर रिजर्व की फोटोज़ आप देख सकते हो। ये आगे बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क, आपको याद होगा लास्ट ईयर मैंने सारे नेशनल पार्क्स और वो करवाए थे अपने बायोस्फीयर रिजर्व्स, और थर्ड वाला अपना ये रमसार साइट सारी करवाई थी मैंने, उसे बन्नेरघट्टा भी करवाया था। और एक सवाल जो था वो मतलब डायरेक्ट तो नहीं आया था, लेकिन अगर उसमें जो मैंने कुछ पॉइंट बताए थे कि कर्नाटक के अंदर कौन कौन सा ये जो ये रिजर्व्स हैं वो कहाँ कहाँ पे हैं, तो वो सवाल सही हो जाता अगर आपने ढंग से सुना होता तो उसको, ठीक है। ये उसी के अंदर मैंने बन्नेरघट्टा भी बताया था। बन्नेरघट्टा का जो अपना ये लोकेशन है ये देख लीजिए, आपकी जो बंगलोर है उसी के अंदर ही है ये, उसके साइड में ये नागर होल है, ये यहाँ पे ऐसे वो तमिलनाडु आ गया, तो यहाँ पे अपना पूरा वाला नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व आता है, तो यहीं सत्यमंगलम बैठा हुआ है। बाकी उसके अंदर ये नाम थे वो सारे अगर आपको एक्सक्लूड कर लेते तो आपको पता चल जाता कि केवल एक सत्यमंगलम ही था, जो मतलब अगर आपको नहीं पता होता तो भी आप सही कर देते,
ठीक है, ये हो गया। अब इसमें है क्या, ये जो ये नेशनल पार्क जो प्रॉपर नेशनल पार्क नहीं है, एक जू भी है, पेट कॉर्नर भी है इसके अंदर, कुछ जो एनिमल्स हैं वो बचाए गए होते हैं उनको भी कट रखते हैं, बटरफ्लाई भी मिलती हैं, पानी का एक्वेरियम भी है यहाँ पे, स्नेक हाउस भी है, सफारी पार्क भी, बहुत ही इनक्लोज्ड और मतलब है ना चारों तरफ वो एक चिड़ियाघर जैसा है, जू टाइप का है ये। यहाँ पर बायोलॉजिकल पार्क भी है, एलिफेंट सेंचुरी भी है, प्रॉपर एलिफेंट सेंचुरी है जो फ्रीली घूमती हैं विदाउट वो, 1978 में आया था और बहुत ही अच्छा एम्यूजमेंट का वो है, काफ़ी पैसे वैसे भी कमा रहा है, इसमें कुछ था नहीं न्यूज़ के अंदर। ग्रास हॉपर्स की उन्होंने 7 स्पीसीज छत्तीसगढ़ में ढूंढी हैं, आई डोंट थिंक इससे कुछ हमारे लिए इंपॉर्टेंस है। एफोरेस्टेशन स्कीम, हाँ ये उसमें अपने जो ये कौन है अपने मिनिस्ट्री ऑफ जो अपने एनवायरमेंट है, इनके जो मिनिस्टर हैं इनसे सवाल पूछा गया था किसी के अंदर, डॉक्टर हर्षवर्धन से, उसमें उसमें लोकसभा के अंदर, कि कौन कौन सा हम इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या हम स्कीम चला रहे हैं। तो उसने बताया कि हम जो जो फॉरेस्ट खत्म हो चुके हैं वहाँ दोबारा फॉरेस्ट लगा रहे हैं, एफोरेस्टेशन कर रहे हैं, उसमें दो स्कीम हमारे पास, पहली स्कीम है अपनी ये नेशनल एफोरेस्टेशन स्कीम और दूसरी वाली स्कीम है नेशनल मिशन फॉर द ग्रीन इंडिया। और उस जो ये जो दोनों प्रोग्राम हैं वो हमारी नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है, उसके ही जो मेन टारगेट है हमारा कि हम इंडिया में 33% जमीन के ऊपर फॉरेस्ट या ट्री कवर लेके आएंगे, उसको इंप्लीमेंट करने के लिए हमने ये दो स्कीम बनाई हैं। पहला प्रोग्राम बता दिया आपने, नेशनल एफॉरेस्टेशन, केवल पेड़ लगाना है, जहाँ भी जो जहाँ जगह मिली, डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड हो गया, ठीक है, वहाँ पर हमने सारा ये पेड़ वेड़ लगा दिया, 21 लाख हेक्टर है, उसको अप्रूव कर दिया गया, पैसे वैसे निकाल देंगे, नॉट मच इंपॉर्टेंट। ये ग्रीन इंडिया वाला, इसमें याद रखना, इसमें ना ये हॉलिस्टिक व्यू लेता है, सब कुछ करते हो आप, इकोसिस्टम सर्विसेज पे फोकस कर रहे हो, बायोडाइवर्सिटी, वाटर, बायोमास, वेटलैंड, मैंग्रोव, क्रिटिकल हैबिटाट, सब कुछ उसको किया जाएगा, पब्लिक लैंड पे भी ये किया जाएगा, प्राइवेट लैंड पे भी किया जाएगा, लोकल कम्युनिटीज़ को भी रोल दिया जाएगा। तो ऐसा कोई सवाल आता है तो सब पे टिक लगा देना, यस ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी वगैरह वगैरह, ये हो गया। ऐसा कुछ पैसे वैसे उन्होंने दिए हैं, ये जो फंड है ना कैंपा के अंदर वो भी इसी के अंदर यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट मूव, हाँ अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दे दिया है कि आप लोग ना ये पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के बिना व्हीकल का इंश्योरेंस नहीं मिलेगा, जो भी इंश्योरेंस करेगा उसको अपना उसको पहले वो अपना पॉल्यूशन सर्टिफिकेट को चेक करके ही करेगा। पीयू सर्टिफिकेट पता ही है आपको, तीन चीज़ चाहिए होती हैं, अगर आप कहीं भी जा रहे हो पुलिस वाला करेगा तो वो भी जो ट्रैफिक पुलिस वाला ये चेक करते हैं, लाइसेंस दिखाओ, इंश्योरेंस दिखाओ, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट दिखाओ, नहीं है तो आपसे पैसे लेगा। मोटर व्हीकल एक्ट के अंडर में आया था, ठीक है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, देर इज़ नथिंग मच हियर, ठीक है, ये इसका सर्टिफिकेट का फोटो है। एक EPCA एक अथॉरिटी बनाई है उन्होंने, ये भी इन्वायरमेंटल एक्ट के अंदर में आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको एस्टैब्लिश किया है। ये इसका काम क्या है, प्रोटेक्ट करना, इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ द जो अपना जो वातावरण की क्वालिटी है उसको इंप्रूव करना, ठीक है, वायलेशन किया तो उसमें फाइनेंस वाइनेंस लगा देना, क्वालिटी ऑफ इन्वायरमेंट को स्टैंडर्ड को डिसाइड करना कि कितना होना चाहिए कितना कम होना चाहिए वगैरह वगैरह, तो कुछ खास है नहीं इसके लिए हमारे पास, ये अपने मंगूज़ हैं। आगे नागर होल पार्क, ये फोटो में दिखाया था आपको, यहाँ बंगलूर है तो यहाँ बनेरघट्टा आ गया, ये नागर होल आ गया इधर, ठीक है। नागर होल जो नेशनल पार्क है ना, ये यहाँ पे पी साइड मैसूर डिस्ट्रिक्ट के कोडागुतर की तरफ नीचे की तरफ है, यहाँ पे 37th इस टाइगर रिजर्व को एस्टेब्लिश कर दिया गया था। और ये जो नागर होल याद होना चाहिए आपको, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है, वेस्टर्न घाट का जो सब क्लस्टर होता है उसी के अंदर है, ये अंडर कंसिडरेशन है कि इसको यूनेस्को वाले वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए कंसिडर कर रहे हैं, अभी किया नहीं है प्रॉपर तरीके से। यहाँ काफ़ी अच्छा ये मतलब इसमें हिल्स हैं, स्ट्रीम्स हैं, वैलीज़ हैं, यहाँ टाइगर बिछवान वगैरह सब मिलते हैं। ये उसकी फोटो आ गई, प्लामो टाइगर रिजर्व को पता ही होगा, ये देखिए आई थिंक उसका, अच्छा ये रहा, ये अपना ऊपर बिहार है, नीचे की तरफ ही झारखंड है, ठीक है। ये जो एरिया यहाँ पे बेतला नेशनल पार्क है, ठीक है, ये आपको याद होगा लास्ट नेशनल पार्क में बताया था मैंने, यहाँ वाल्मीकि वाला है, ऊपर वो अपना उसका आ जाएगा यूपी वाला आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसमें जो बेतला नेशनल पार्क है वो एक ही नेशनल पार्क है झारखंड के अंदर, एक ही यूपी में है और एक ही बिहार में है। तो बेतला नेशनल पार्क जन इसमें सॉरी ये पलामू टाइगर रिजर्व जो है ना ये उसी के अंदर में आता है, बेतला नेशनल पार्क के अंदर में आता है और पलामू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उसी के आसपास ही है। ये वन ऑफ द 9 ओरिजिनल जो टाइगर रिजर्व थे ना पहले इंडिया में, उसका एक पार्ट है, झारखंड में मिलता है, उसमें लाते हैं डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, ठीक है। और इसमें ना टाइगर एलिफेंट वगैरह सब मिलते हैं, नॉर्थ कोयल रिवर निकलती है यहाँ से, ठीक है। यहाँ फॉरेस्ट फायर ज़्यादा इसलिए होते हैं बिकॉज यहाँ पे बैम्बू के काफ़ी ट्रीज मिलते हैं, तो बैम्बू जब भी हवा में टकराता है आपस में तो उसमें स्पार्कलिंग हो जाती है और वो अपना जलना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। इसमें कुछ है नहीं, ये पता होना चाहिए प्लामू टाइगर रिजर्व कौन से उसमें स्टेट में है और वन ऑफ दी जो पहले जो वन ऑफ दी 9 ओरिजिनल टाइगर रिजर्व थे उनका पार्ट है, ठीक है। ये इसकी फोटोज़ हैं, ये उसमें मैप में है, ये बेतला दोबारा से आ गया, वही पार्क है, वही इसमें इंडियन स्टेट ऑफ दी झारखंड के अंदर है, वाइल्ड लाइफ काफ़ी मिलती है, वन ऑफ द फर्स्ट नेशनल पार्क था जिसमें टाइगर रिजर्व बनाया गया था, और इसमें ये कोयल रिवर है, यहाँ पे सैल बैम्बू के ट्रीज मिलते हैं, ठीक है। इसमें ये हो गया,
अब आता है अपना, इसने कुछ डाइवर्सन ऑफ फॉरेस्ट लैंड के लिए कुछ नई गाइडलाइंस निकाल दी हैं। उसने ये बोला है कि जो हमारा नेट प्रेजेंट वैल्यू का जो फॉर्मूला होता है, कोई भी लैंड अगर सरकार आपको जब इंडस्ट्री देती है तो वो नेट प्रेजेंट वैल्यू एक फॉर्मूला से डिसाइड करती है कि भाई इस ज़मीन की ये वैल्यू है, ठीक है। नॉट वो जो नहीं, जो बेचने वाली नहीं, एक अलग होती है जिसमें मतलब कि ओके, जिसमें ये डिसाइड किया जाता है कि कितना मतलब कि इन्वायरमेंट को नुकसान हो रहा है। फिर वो पैसा वो कंपनी देती है और उसी को ये उठा के उस पैसे को कैंपा में डालते हैं, जो ठीक है अपना जो कंपेंसेटरी एफोरेस्टेशन प्रोग्राम वाला जो फंड है, ठीक है, आपने पढ़ा होगा कहीं पे, उसमें डाला जाता है। उस पैसे को फिर दोबारा से एफोरेस्टेशन मतलब दोबारा से प्लांट लगाने में, ट्री लगाने में यूज़ किया जाता है। तो उन्होंने क्या किया कि एक नया फॉर्मूला निकाला इस मिनिस्ट्री ने, उसने बोला कि नए नए कॉस्ट और जोड़ दिए हैं, पोजेशन कॉस्ट, ठीक है, हैबिटेट का फ्रेगमेंटेशन कॉस्ट हो गया, वाटर रिचार्ज का कॉस्ट हो गया, न्यूट्रेंट कॉस्ट हो गया, दिस एंड दैट, ये सब मिला मिलू के फिर नेट प्रेजेंट वैल्यू को डिसाइड किया जाएगा। और ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला था उसके हिसाब से डिसाइड किया जाएगा। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट जो है ना, वो इसको उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि भाई तू डिसाइड कर इस काम को, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए, आई थिंक इससे कुछ ज़्यादा कुछ हमारे लिए कुछ है नहीं, ठीक है। ये आ गया तमिलनाडु के अंदर एक गल्फ मैनार है, ये आपको पता ही होगा, ये उसका फोटो है, ये देखो अपना यहाँ पे रामेश्वरम आ गया, पंबन आइलैंड है, इधर ये अपना श्रीलंका आ जाएगा। ये जो एरिया है, इस एरिया को हम क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं इसमें अपना गल्फ ऑफ मन्नार बोलते हैं। यहाँ पे एक ये आइलैंड आता है वैन आइलैंड, ठीक है। ये जो आइलैंड है इसमें तमिलनाडु क्या कर रही है, आईआईटी मद्रास के साथ मिलकर ना एक वहाँ पे आर्टिफिशियल रीफ को बना डाल रही है, डिप्लॉय कर रही है, ताकि वो क्या कर रहे हैं कि जो प्रोटेक्ट किया जा सके और रीस्टोर किया जा सके सिंकिंग आइलैंड को, वहाँ पानी वानी डूब रहा है वो, तो यहाँ पे आर्टिफिशियल रीफ बनाई जा रही है ताकि उसको बचाया जा सके। तो अपना जो मिनिस्ट्री है इन्वायरमेंट है, वो NAFCC के थ्रू ना फंड कर रही है। NAFC है क्या, एक्चुअली एक नेशनल अडेप्टेशन फंड है फॉर द क्लाइमेट चेंज। इसमें क्या होता है कि इस फंड के थ्रू जितने भी हमारे जो वल्नरेबल एरियाज हैं, जो जनसंख्या जो पॉपुलेशन है, उन सबको मतलब फंड करती है और वहाँ पे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको इम्प्लीमेंट करती है इस फंड के थ्रू। एक्चुअली नाबार्ड जो है ना अपना जो बैंक है, वो नेशनल इम्प्लीमेंटेशन एंटिटी है इस NAFCC के लिए, ठीक है। ये कि ध्यान रखिएगा इसमें अपने अडेप्टेशन फंड के लिए जो जितना पैसा आता है वो इसमें आएगा, नाबार्ड के पास आएगा, और फिर जो गवर्नमेंट जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट है वहाँ से पैसा निकाल के जो जो स्टेट बोलेगा, जितनी उनकी रिक्वायरमेंट होगी उनको दे देगा। लेट्स मूव, ये डायग्राम हो गया। इरावड़ी डॉल्फिन पता ही आपको, ये डॉल्फिन जो है अपनी चिल्का लेक वाटर के अंदर मिलती है, ठीक है। इसका ऐसा ये दिखने में ऐसी होती है ये, ठीक है। और ये चिल्का लेक की फ्लैगशिप स्पीशीज है, कि मतलब वहाँ पे काफ़ी उनकी मेन जो अगर चिल्का लेक का कहीं बोलेंगे तो उसकी जो फ्लैगशिप की जो डायग्राम बनाया जाएगा उसमें ये दिखाया जाएगा। बहुत छोटी पॉपुलेशन के अंदर मिलती हैं, जगह जगह मिलती हैं, ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल जो मरीन जो पानी होता है ना समुद्र के अंदर, ये बेसिकली मिलती हैं। हमें ये याद रखना है जो इरावड़ी डॉल्फिन जो है ना वो सॉल्ट वाटर में भी मिलती है और जो अपना फ्रेश वाटर होता है उसमें भी मिलती है। तो फ्रेश वाटर के अंदर जितने भी रिवर सिस्टम्स होते हैं ना, गंगा, मेकोंग, इरावड़ी, इरावड़ी रिवर कहाँ पे आपको पता होगा, उसमें म्यांमार के अंदर है, ठीक है। मेकोंग ऊपर है ही और इंडिया अपनी इधर आ गई, ठीक है। तो तीनों के अंदर ये अपनी मिलती है और ये कभी अपने इसमें आगे सॉल्ट में चली जाती है, कभी ऊपर चली जाती है, ठीक है। एस्चुरीज हो गया, मैंग्रोव फॉरेस्ट के आसपास मिलती है, इसको वल्नरेबल में याद रखेगा इसके MCQs को। उसके थ्रेट का फिशिंग नेट जो होते हैं अपने, जो फिशरमैन बाहर समुद्र में जाते हैं वो जाल वाल डालते हैं उसमें फंस जाती हैं और मर जाती हैं। ये इसका डायग्राम हो गया। अब आता है एलनीनो। एलनीनो ने क्या किया था, कुछ इसमें फालतू का डाटा है जो हमारे काम का नहीं है वैसे। इसमें काफ़ी 3 बिलियन टन ऑफ द जो कार्बन था ना वो एक्स्ट्रा निकला है बिकॉज ऑफ दिस एलनीनो के कारण। 2014-16 के कारण 3 बिलियन टन ऑफ द कार्बन वो एक्स्ट्रा निकला था, उसके कारण काफ़ी हमारे पास में ये जो मतलब थ्रेट हुआ था इन्वायरमेंट को, ठीक है। इसमें कुछ हमारे बहुत डाटा है फालतू का, कोई मतलब है नहीं। इसमें बोल रहे हैं कि हुआ कैसे था, एलिनो आएगी, बारिश कम होगी तो गर्म गर्म वेदर हो गया, हॉट वेदर हो गया, सूखा पड़ना स्टार्ट हो गया, आग लगना स्टार्ट हो गई, है ना। तो इन सब के कारण क्या हुआ कि जो पेड़ पौधे थे उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड मर गए, कार्बन डाइऑक्साइड उन्होंने सोखी नहीं, एब्जॉर्ब नहीं की, उसे कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती गई उसके अंदर और एक्स्ट्रा कार्बन वातावरण में चलता गया और गर्मी बढ़ती गई। तो यही होता है इसको। हाँ, एलिनो का मिसी जो कॉमन वो है कि पता ही आपको, उसको लिटिल बॉय बोलते हैं, क्राइस्ट चाइल्ड बोलते हैं, देखो दिसंबर के आसपास आती है ये, ठीक है। इसमें होता क्या है कि वाटर्स जो होते हैं ना ईस्ट सेंट्रल पैसिफिक ओशियन, ये आपको पता है ये पैसिफिक ओशन है यहाँ पे, ठीक है। ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये इधर अपना ऊपर एशिया, नीचे इधर ऑस्ट्रेलिया। ये जो पेरिवियन जो अपना ये है जो कोस्ट है, इसको मतलब ये हमारे ईस्ट और सेंट्रल वाला जो पार्ट बोलते हैं, ये जो है इसके अंदर क्या होता है कि यूजली कोल्ड वाटर ना जब वहाँ से अंदर से निकल के ऊपर आता है, अपवेल करता है, ठीक है। और वो जो कोल्ड वाटर होता है फिर निकलने के बाद में यूँ चलता है वो, ठीक है। होता है क्या कि उसके अंदर ना उल्टा सिस्टम स्टार्ट हो जाता है, उसके बजाय तो ठंडे पानी के बजाय वहाँ पे गर्म पानी आना स्टार्ट हो जाता है। उस पूरी सीक्वेंस को ना ये पूरा का पूरा एलिनो बोला जाता है। उसके कारण होता क्या है, पूरी की पूरी विंड डायरेक्शन चेंज हो जाती है। हमारे जहाँ बारिश होनी होती बारिश नहीं होती, जहाँ बारिश मतलब कम हो रही होती वहाँ बारिश ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाती है। तो पूरा एक कन्फ्यूजन से स्टार्ट हो जाता है, 9 से 1 साल तक रहती है और हर 2-3 साल के 2 से 7 साल के बाद में आती रहती है। इसका एक सीक्वेंस सा एक वो चलता रहता है, ठीक है।
इसका ये है, इसको आप ज्योग्राफी से अच्छे से पढ़ लेना, यहाँ पे आई थिंक बताने का स्कोप है नहीं खास कुछ। एक रिन्यूएबल एनर्जी का उन्होंने कुछ बनाया है एमपी ने, क्या किया सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना इसमें क्या कर रही है ना, रीन्यूएबल सोर्सेज मतलब कि सोलर वाला हो गया, अपना हाइड्रो पावर है हो गई, और अपना जो विंड वाले हो गए, जितने उनसे जो भी इलेक्ट्रिसिटी निकल रही होती है ना, उसको उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये बोला कि भाई आप इसको मस्ट रन स्टेटस दो। इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल मैं एक कंपनी हूँ, मैं विंड अपने प्लांट चलाता हूँ और एक या सोलर मेरे पास प्लांट है, तो मैंने एनर्जी जनरेट कर रहा हूँ, तो मैं गवर्नमेंट को बोलूँगा भैया मेरे पास इतनी एनर्जी एक्स्ट्रा है, मैंने इतनी आज बना ली है, आप इसको खरीदो। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनको गाइडलाइन दे रखी है अपने स्टेट्स को कि अगर इस तरह की एनर्जी अवेलेबल होगी जो रिन्यूएबल सोर्स से आ रही है, वो आपको लेनी ही लेनी पड़ेगी, मस्ट रन स्टेटस, बिना आप पैसे वैसे का नहीं सोचेंगे, बट आपको लेनी पड़ेगी, खरीदनी पड़ेगी, और बाद में उसको जो कंज्यूमर होता है फॉर एग्जाम्पल सिटीज़ हैं अपने जनता है उनको देनी पड़ेगी या इंडस्ट्री हो गई। तो एमपी ने क्या किया, मध्य प्रदेश ने यह किया कि ये नाटक नहीं चलने वाला है, तो उसने बोला कि हम क्या करेंगे प्राइसेस के हिसाब से डिसाइड करेंगे कि हम वही पैसे जो मतलब जो एनर्जी वो जो मतलब प्रेफर करेंगे, मतलब फर्स्ट नंबर उसी को देंगे जिसका पैसा कम होगा। तो ये मतलब सेंटर की जो जो एफर्ट थे ना ग्रीन एनर्जी के लिए उनको रोक रहा है एक्चुअली, ठीक है। तो उन्होंने क्या कर दिया, मध्य प्रदेश ने बोला कि जो ये मस्ट रन स्टेटस को हटा दिया और मेरिट ऑर्डर अप्रोच ले आए। मेरिट ऑर्डर किस कौन सी मेरिट देखी जाएगी, पैसे कम वाली, ये देखो इसमें लिखा है यहाँ पे मेरिट ऑर्डर डिस्पैच इज अ प्रिंसिपल, जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि जो रैंक्स दी जाएंगी, जो बिजली पीछे से आ रही है, जो रिसोर्सेज आ रहे हैं इलेक्ट्रिकल जनरेशन वाले, उसमें ऑर्डर ऑफ द प्राइसेज जिसमें दाम कितना है उस इलेक्ट्रिसिटी का, कितना पैसा है, कितना उसका कॉस्ट है, वो डिसाइड करेगा, ना कि ये वाला मस्ट रन स्टेटस नहीं डिसाइड करेगा, ठीक है। ऐसा ही एक ब्लैक कार्बन होता है, ब्लैक कार्बन जो होता है यूजुअली जो भी हम फ्यूल जलाते हैं, कुछ भी हम ईंधन जलाते हैं, वो जो जब जलता है तो अगर वो इनकम्प्लीट मतलब आधा अधूरा जले ना, तो उससे एक काला काला एक वो सूत सा निकलता है, ठीक है, वही उसी को ब्लैक कार्बन बोलते हैं। ये ब्लैक कार्बन जब क्या करते हैं, सुनने में आया कि एरोप्लेन भी उसको निकालते हैं काफ़ी ज़्यादा, और वो ओजोन लेयर के पास वहीं उड़ते हैं वो आसपास, बिकॉज जो अपना एटमॉस्फेयर में एक्टिविटी होती है, जो क्लाउड्स होते हैं वो केवल नीचे वाले में होते हैं, ट्रोपोस्फेयर में, स्ट्रेटोस्फेयर में होते नहीं है, तो जो जितने एरोप्लेन्स होते हैं वहीं पर वो उड़ते हैं, तो जितने ज़्यादा वहाँ पर ये ब्लैक सूट छोड़ेंगे वो ओजोन को डिस्ट्रॉय करेगा, ओजोन डिस्ट्रॉय हुआ तो सारा अपना सनलाइट वगैरह जो होती है ना वो नीचे आना स्टार्ट हो जाएगी, और हमें मतलब बाकी इश्यूज होना स्टार्ट हो जाते हैं। बीसी पार्टिकल एक और काम करते हैं, वो सनलाइट को एब्जॉर्ब भी करते हैं, जो एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो उससे क्या होगा, और वहाँ पे क्या जो ग्रीन हाउस मतलब जो इफेक्ट होगा वो ज़्यादा बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, और एक्स्ट्रा हमारी हीट बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। ये जो 2.5 है उसकी शेप में आते हैं ये। इंडिया क्या कर रहा है, आईएमडी का जो अपना डिपार्टमेंट है उसने ना समर एक बनाया है सिस्टम ऑफ एरोसोल मॉनिटरिंग एंड रिसर्च, ठीक है, ये नाम जरूर याद रखिएगा। ये क्या कर रहा है, ब्लैक कार्बन को स्टडी कर रहा है और चेक कर रहा है कि कितना क्या मतलब इफेक्ट है, उसको क्या करना चाहिए, ठीक है। थैंक यू, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक अस, एंड जो नेक्स्ट लेक्चर है अपना सितंबर अक्टूबर का, विद इन फ्यू डेज़ आपको डिलीवर कर दिया जाएगा। थैंक यू।